तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल अर्निंग में। और जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कोरल स्वैप, जहाँ हमने इसका टेस्ट नेट का जो एयर ड्रॉप था उसमें पार्टिसिपेट किया था। अब इसमें हमें करना क्या है कि हमें यहाँ पे ये बता रही हैं कि 5 सितंबर, जैसा कि आज है तो ये कह रहे हैं 5 सितंबर को एंड हो जाएगा। देन दोस्तों, अगर यहाँ से आपको बेनिफिट लेना है और यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, तो हमें जो हमने टेस्ट नेट के अंदर जो काम किया था, जैसे कि हमने यहाँ पर लिक्विडिटी ऐड की थी, हमने फार्मिंग किया था, हमने पूल में पार्टिसिपेट किया था, तो इन सब को रिमूव करना होगा। ओके, यहाँ पे टाइम ये बता रहे हैं कि सितंबर 5 और टाइमिंग 10 PM EST टाइम के हिसाब से। अब इसका मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया गूगल पे, तो यहाँ बता रहे हैं कि 7:30 बजे, ये मंडे के सुबह 7:30 बजे का बता रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमें अभी एक रात और आधे दिन का या फिर अभी रात का पूरा समय है, तो इस बीच हम इसको अनस्टेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें वर्क कैसे करना था, इनकी पूरी डिटेल इस वीडियो में मैंने बताया था आपको। ओके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पर भी ये वीडियो आपको मिल जाएगा। इनका जो अपडेट था यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर बताया गया था कि $200 से $300 तक आपको यहाँ पे हो सकता है प्रॉफिट। ओके, तो अब क्या करना है, मैंने यहाँ पे आपको दिया था कुछ लिंक। सबसे पहले तो आपको करना क्या था कि आपको टोकन पॉकेट वॉलेट के थ्रू इनमें पार्टिसिपेट करना था, और ये था स्वैप लिंक, तो इसको सबसे पहले क्लिक कर लेना है। बाकी देखिए, अभी कल तक ये ख़त्म होगा, तो कल से पहले यानी कि मंडे को सुबह 7:30 बजे से पहले अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहो तो कर सकते हो। आप कैसे करोगे वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर टोकन पॉकेट वॉलेट ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ऊपर देखिए, यहाँ पे वॉलेट HD वॉलेट जो भी दिखाएगा आपके सामने, तो यहाँ पे क्लिक करके जो आपने RPC सेट किया था, RPC देखिए, ओके एक्सचेंज टेस्ट नेट, तो RPC कैसे सेट करना है प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया था, उसको सेलेक्ट कर लेना है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे नीचे डिस्कवर वाले ऑप्शन पर जाना है। डिस्कवर वाले ऑप्शन पर जाने के बाद ऊपर देखिए सर्च का ऑप्शन मिल रहा है, जहाँ पर सर्च डैप और इंटरलिंक, तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने अभी जो लिंक कॉपी किया था उसको पेस्ट कर सकते हो, अगर प्रीवियस काम नहीं किया है तो इस तरीके से पेस्ट कर दोगे, स्वैप लिंक यहाँ नीचे आ जाएगा इस तरीके से, तो इसमें क्लिक कर देना है। तो ये देखिए कोरल स्वैप का ये ओपन हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर ये टेस्ट नेट है। ओके, तो यहाँ पे टेस्ट नेट में आपको किस तरीके से यहाँ OKT वगैरह लेना है, तो आपको मैंने सब डिटेल वीडियो के लिए आप उस वीडियो को आपको देखना ही पड़ेगा। ओके, अब अगर यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी आपने ऐड किया था और यहाँ पे आपने फार्मिंग किया था और यहाँ पे पूल में पार्टिसिपेट किया था, सबको यहाँ पे ख़त्म करना होगा, आपको रिमूव करना है। सबसे पहले यहाँ 3 डॉट इधर क्लिक करना है, 3 डॉट पे क्लिक करोगे, नीचे यहाँ पे पूल्स हैं, तो पूल्स में आपको जाने हैं। देन यहाँ पे आपने क्या किया होगा, आपने यहाँ पे पूल में पार्टिसिपेट किया होगा, तो यहाँ पे कुछ आपको दिखेगा, तो यहाँ हार्वेस्ट वाला ऑप्शन है, इसमें क्लिक करना है, कुछ फ़ी मांगेगा, फ़ी दे देना है, वो तो टेस्ट नेट वाला OKT फ़ी लगेगा। उसके बाद फिर यहाँ माइनस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ये प्लस में क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप इनको पूल में पार्टिसिपेट कर सकते हो। देखिए 100% करके मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा तो ये पार्टिसिपेट हो जाएगा, बट यहाँ माइनस पे क्लिक करोगे उसके बाद 100% क्लिक करना है, 100% क्लिक करना है, हार्वेस्ट करना है 100%, यहाँ पे माइनस 100% जिस पूल में आपने पार्टिसिपेट किया होगा ये ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको फिर भी शक है तो स्टेकेड ओनली पे देखना, यहाँ पे कुछ रहेगा, अगर आपने आपका जो स्टेक किया पूल में है तो वो दिख जाएगा, अगर नहीं है तो इस तरीके से नो डाटा दिखेगा। देन अगेन 3 डॉट पे और अर्निंग पे जाना है। अर्निंग पे जाने के बाद देखिए, यहाँ पे अर्निंग पे जाना है और यहाँ पे इस तरीके से आपको देखना है, अगर कहीं पे आपका दिया हुआ है, अगर आपने LP टोकन लगाया हुआ है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, हार्वेस्ट कर लेना है, सेम उसी तरीके से माइनस पे क्लिक करना है, 100% देके कंफर्म कर देना है। ओके, तो इस तरीके से जितने भी LP टोकन यहाँ पे आपने लगाए थे तो सबको यहाँ पे ख़त्म कर देना है, कि आपको देख लेना है, चेक कर लेना है, ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, देन आपको जाना है लिक्विडिटी पे, और लिक्विडिटी पे आने के बाद यहाँ पे जो आपकी लिक्विडिटी रहेगी वो लिक्विडिटी को आपको यहाँ पे रिमूव करना होगा। मैं यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट कर लेता हूँ टोकन पॉकेट, तो यहाँ पे तो अभी मेरा लिक्विडिटी पर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है इसका, कि लिक्विडिटी मेरा ऐड था, मैंने तो यहाँ से लिक्विडिटी हटाया नहीं, पर ये लिक्विडिटी नहीं दिखा रहे हैं। अगर आपका दिखाता है तो यहाँ से लिक्विडिटी भी आपको रिमूव कर देनी है। बस दोस्तों, इतना सा आपको वर्क कर लेना है तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये जो कोरल स्वैप का जो लोगो है इस पर क्लिक कर देना है,
इस पर क्लिक कर दोगे ना, तो यहाँ पे आपने क्या क्या पार्टिसिपेट किस किस चीज़ में क्या होगा, तो आपका यहाँ पे सब कुछ दिखाएगा। यहाँ देखिए मेरा बिल्कुल 0-0 दिखा रहा है। ओके, इसका मतलब मेरा अभी किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया हुआ नहीं है। अगर कुछ रहता तो यहाँ दिखाता, मैं हार्वेस्ट कर देता यहीं से होम से, तो यहीं पर हो जाता। ओके, तो ये काम आप कर लीजिए, आपको उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। और जिन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया है, रात भर का टाइम है, आप लिक्विडिटी ऐड कीजिए, उसका एलपी टोकन किस तरीके से आपको फार्मिंग में लगाना है, पूल्स में डालना है, पूरी वीडियो में डिटेल बताई गई है, पिछला वीडियो, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए और उस वीडियो को देख के कर लीजिए। 1-2 घंटे आप रखिए, उसके बाद फिर जो है आपको रिमूव कर दीजिए, आपको कुछ ना कुछ यहाँ ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। और उम्मीद करता हूँ ये तो वीडियो अच्छा ही रहा होगा आपके लिए, आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।